जो कुछ भी अपने आस पास देखती हूँ उसको डिपिक्ट करने का मेरा मन करता है बस। और ये वहीं सुबह निकलती थी मऊ में बेचने के लिए कंडे वगैरह। हाँ, सुबह जाती थी, शाम को वापस आती थी। मैं डेली देखती थी तो मैं बस आई वॉज मूड। इंस्पिरेशन आपको वहीं से मिला? हाँ, इंस्पिरेशन वहीं से नहीं, इंस्पिरेशन तो बचपन से है। लेकिन जो कुछ भी मतलब लाइव आर्ट करते हैं, लाइव आर्ट जो सामने दिख रहा होता है उसको इमेजिन करके, दूसरा अपने इंडिया की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन चीज इंडिया की कल्चर बनाने में थे, जहाँ जहाँ मैंने बहुत पूरा हिंदुस्तान देखा। तो आप हर जगह के कल्चर को आपने अपने कैंपस में उतारा है? हिंदुस्तान जी जी जी, जहाँ जहाँ मतलब सर की पोस्टिंग हुई है वहाँ वहाँ के जी। तो मेरा मऊ का है, मऊ में पोस्ट ट्रिप थे। ये मेरा गोवा का है, गोवा तो खैर घूमने गई थी, गोवा में फिशर रूम है। वो लोग फिशिंग करती थी, वो लोग फिशिंग वगैरह करती थी ना, तो बस वो देख के लगता था ना। और ट्राइबल्स का मेरा मेन exactly. कि इस बार मैं ट्राइबल्स को दिखाऊंगा जी, जी, इंडिया के ट्राइबल्स, राइट राइट, यहाँ के ट्राइबल्स। एंड दिस इज वही, एक अपनी गोट लेके सुबह जाता था, शाम को लकड़ी लेकर के आता था। तो ये मैं देखती रहती थी और उसको मेरा मन, ये लगता था मैं कैसे, ये जैसे वहाँ की नहीं, राजस्थान का नहीं, यही का नोएडा का है घाट है बाजार, उसमें ये बंजारे ने अपना बेचते हैं ना, कहीं हसिया बेचते हैं, कहीं खुरपी बेचते हैं, कहीं तो बार्गेनिंग कर रहे हैं। जखामा विलेज मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, तो मैं बस पूरी वहाँ की लाइव देखती थी। देखिए वहाँ के नागा के लोग कैसे जाती थी उनके पीछे टोकरी लेके, वाटर कलर, दिस इज वाटर कलर। थैंक यू मैम, थैंक यू।